सिविल अस्पताल पठानकोट के डॉक्टरों की ओर से 2 घंटों की हड़ताल का आयोजन एसएमओ डॉक्टर राकेश सरपाल के नेतृत्व में किया गया, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि पिछले दिन अमृतसर के सरकारी अस्पताल में ड्यूटी देते डॉक्टर को गोली मारकर घायल कर दिया था, जिसके चलते डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए यह हड़ताल की। एक्चुअली ये ना इंसीडेंस होया अपने अमृतसर सिविल हॉस्पिटल उत्थे कोई मेडिको लीगल करान आए होने उत्थे गोली चलन नाल वो जो साडे एमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर से उत्थे इंजर्ड हो गए ड्यूटी तो उन्होंने गोली लगी उस दे उपलक्ष दे विच ना अज 10 तो 12 सारे पंजाब दे विच डॉक्टर्स दी पेंडेंट स्ट्राइक हैगी इन्होंने मैंबर ने दिता मैनू जब मैं उपर भेज दूँ वास्ते एक्चुअली बेसिकली वो कह रहे थे कि सानू सिक्योरिटी होनी चाहिए है तो कल राती भी मैं DSP सर ने भी गल की सी कल तो राती सिक्योरिटी वाले आ गए सी तो फिर वो असी उन्हां दी मेडिकल लीगल जिहड़ा इंजरीज नोट कर लाँगे तो सवेरे कट के दे देंगे सर आम देख चलो हूँ मैं आपां जिद्दां इन्होंने मैमोरेंडम दिता मैनू तो मैं भी राती गल की सी DSP सर ने अपन ये एटलीस्ट जिहड़ी सुरक्षा व डॉक्टर्स दी ऑन ड्यूटी तो बहुत जरूरी हैगी और होनी चाहिए जिहड़ा कि बहुत ही गंभीर रूप में घायल हो गया। स्टेट लीडरशिप की कॉल के उत्ते असी अज पठानकोट के सारिया सेहत सेवावान 10 बजे तो लैके 12 बजे तक ठप कीतियां है जिदे एमरजेंसी सेवावान चलदियां रहनगियां। असी एक रात नूं 8 बजे तो लैके सवेरे 8 बजे तक जिन्ना भी मेडिकल लीगल वर्क हैगा है वो सारा बंद रखांगे।